सो हेलो एवरीवन, दिस इज गजेंद्र सिंह कठेरिया फ्रॉम करियर जंप एकेडमी। हमारा नया चैनल द गेट लर्नर्स ऑन यूट्यूब इज अवेलेबल फॉर यू। ठीक है, जितने भी लोग हैं जो गेट, SSCG और जितने भी बाकी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हैं उनकी तैयारी कर रहे हैं, वो लोग हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो, सो यू विल गेट ऑल द इम्पोर्टेंट एक्साइटिंग वीडियोज ऑन द रिलेवेंट टॉपिक्स। ऑलराइट, सो जो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बेसिक्स ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ये जो टॉपिक है बेसिकली हमारे घर की बहुत सारी गतिविधियों से जुड़ा हुआ टॉपिक है। ठीक है, गतिविधि टॉपिक जैसे क्या, डेली हमारे घर में चाय बनती है। ठीक है, अभी ठंड का समय गया है, ठंड के समय में हम लोगों ने डेली घर में पानी गर्म करा है। ठीक है, तो काफी सारी रिलेवेंट, घर की रिलेवेंट चीजें मैं यहाँ पे आपके साथ में डिस्कस करूंगा, विच विल मेक इट इंटरेस्टिंग फॉर यू ऑल। ठीक है, सो समझते हैं पहली बार थर्मोडायनामिक जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट किस बारे में। ठीक है, सो थर्मोडायनामिक इज अ स्टडी ऑफ एनर्जी इंटरेक्शन। ठीक है, एनर्जी का इंटरेक्शन का मतलब ये होगा कि एक एनर्जी दूसरे एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। ठीक है, मेनली हीट और वर्क एनर्जी, मतलब थर्मोडायनामिक्स में हम लोग मेनली हीट और वर्क एनर्जी के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, अदर काइंड ऑफ एनर्जी आर ऑल्सो देयर। ठीक है, बस मेनली पर हमारा हीट एंड वर्क एनर्जी के बारे में हम डिस्कस करते हैं यहाँ इस सब्जेक्ट में। ठीक है, बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, एक एक शब्दों को हम लोग समझते हैं। पहले हीट एनर्जी क्या है, देखिए एक छोटा सा एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लेके रखा है। मान लीजिए घर में हमारे एक बर्तन है, उस बर्तन में हम लोग दूध उबाल रहे हैं। ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है यहां से हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको हीट दे रहे हैं। ठीक है, तो जब हम लोगों ने हीट दिया इसको, दूध को, तो ऑब्वियसली इसके अंदर पहले कुछ अमाउंट की हीट स्टोर होगी। ठीक है, उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी। इंटरनल एनर्जी के बारे में हम लोग और समझेंगे। ठीक है, एनर्जी विच इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, वी विल डिस्कस इट लेटर। ठीक है, तो अभी जो जनरल चीजें जो हर इंसान देखता आया है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं कि ये पूरा का पूरा एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है मिल्क, जिसको हम बोल रहे हैं। ठीक है, इसको हमने हीट दिया, तो हम यहां से देखते हैं कि ये जो ऊपर की जो लेयर है, ठीक है, एट द एंड ऐसे तो कंटिन्यूअसली अंदर के जो मॉलिक्यूल्स है वो घूम फिर रहे हैं। मैं तो आपसे बहुत जनरल बात कर रहा हूँ, आप देखते हैं कि जो दूध की जो ऊपर की लेयर है वो आपको और ऊपर आती हुई नजर आती है। ठीक है, मतलब वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ती हुई नजर आती है। ठीक है, तो मतलब आपने जब हीट दिया तो आपको यहां पर क्या मिल गया, वर्क मिल गया। एक्चुअली वर्क होता क्या था, वर्क होता था हमारा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। मतलब क्या मैं कह सकता हूं कि कोई भी बॉडी अगर डिस्प्लेस हो रही है एक्स अमाउंट से, तो हाँ हम कह सकते हैं कि उस पर हमने वर्क किया, तभी तो वो डिस्प्लेस हो रही। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखें कि हमने इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, हमारा जो सिस्टम है ना, अब ये भी समझेंगे इन टर्म्स का मतलब। फिलहाल हम यहाँ पे देखिए कि इतने पोर्शन को हम लोगों ने हीट दिया, ये जो मिल्क हमारा रखा हुआ है इसको हीट देने के कारण जो मॉलिक्यूल्स है अपर लेयर के वो आपको और ऊपर जाते हुए देख रहे हैं, देखते हैं दूध उबरता हुआ। ठीक है, मतलब ये जो लेयर थी ये ऊपर आ चुकी है। और समझो, इमेजिन करो कि यहां पर कोई एक पार्टिकल रखा हुआ है। ठीक है, ये पार्टिकल की पोजीशन अभी यहां थी, हीट देने के कारण ये जो पार्टिकल है अब ये यहां आ चुका है। मतलब ऑब्वियसली पार्टिकल का कुछ ना कुछ क्या हुआ है, डिस्प्लेसमेंट हुआ है। मतलब वी कैन से कि यस, हमने उसके ऊपर वर्क करा है, वर्क इज डन। ठीक है, कुछ ना कुछ वर्क हमको उस पर हम लोगों ने किया है। ठीक है, कैसे किया, हमने यहां से हीट दी तो और हमको वर्क उसके ऊपर, हमने देखा कि उसके ऊपर वर्क हो रहा है। ठीक है, अभी वो भी समझेंगे हम टर्म्स, वर्क मिलना और वर्क देना है ना, वर्क बाय द सिस्टम इज पॉजिटिव एंड वर्क डन ऑन द सिस्टम इज नेगेटिव, वो सब हम समझेंगे बाद में। मैं आपको जनरल टर्म्स में समझा रहा हूँ कि अगर हमने हीट दिया है तो हमको ऐसे वर्क मिल रहा है। मेरा आपको समझाने का मतलब है डेफिनेशन का कि देखिए एनर्जी इंट्रैक्शन यहाँ पर हो रहा है, एक प्रकार की हीट एनर्जी हमने दी और दूसरे प्रकार की वर्क एनर्जी हम लोगों को मिली। ठीक है, हीट एनर्जी दिया और वर्क एनर्जी दी, मिली किसके किसके बीच में, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच। देखिए सिस्टम वो चीज होती है जिसपे हमारा ध्यान केंद्रित होता है, जिसके बारे में हम स्टडी कर रहे हैं। जैसे अगर अभी आप मुझे देख रहे हैं, ये वीडियो देख रहे हैं, तो ऑब्वियसली फिलहाल ये जो वीडियो है ये आप लोगों के लिए क्या हो गया, सिस्टम हो गया, क्योंकि अभी आपका ध्यान जो है वो इस वीडियो पे केंद्रित है। ठीक है, और फिर वो बात करते हैं हम लोग सराउंडिंग, जैसे इधर की बात करें हम लोग, तो ये हो गया हमारे लिए सिस्टम, क्योंकि हम इसी के बारे में जान रहे हैं, इतने के बारे में हम इसी के बारे में जान रहे हैं कि हमने इसको हीट दिया तो इसका प्रेशर बढ़ा, इसी का टेम्परेचर बढ़ा और इसी ने फिर हमको वर्क दिया, हम सिर्फ इतने के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये हमारे लिए क्या हो गया, सिस्टम हो गया। ठीक है, फिर सिस्टम के अलावा हर वो चीज, मेरी बातों को ध्यान दीजिएगा, सिस्टम के अलावा हर वो चीज जो कि सिस्टम को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इफेक्ट कर सकती है उसको हम बोलते हैं सराउंडिंग। बहुत सारी बुक्स में आपको देखने को मिलेगा एनीथिंग अदर देन सिस्टम इज सराउंडिंग, नहीं। ठीक है, सिस्टम को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इफेक्ट कर सकती है वो आपका क्या कहलाएगा, सराउंडिंग कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप ये जो मोबाइल फोन, आपका जो मोबाइल फोन है वो क्या है आपके लिए, सिस्टम है। तो मान लीजिए आपके घर के आसपास कोई भी है जो आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं उस सिस्टम पे कंसंट्रेशन करने के लिए,
मान लीजिए घर से अभी किसी ने आपको बोला कि जाओ बेटा दूध लेके आओ, कुछ काम करने को बोल दिया, तो somehow वो पर्टिकुलर पर्सन आपके लिए उस टाइम पे क्या हो जाएगा, सिस्टम, क्योंकि सराउंडिंग, क्योंकि वो जो सराउंडिंग है वो कहीं ना कहीं आपको इफेक्ट कर रहा है। ठीक है, ये एग्जाम्पल के तौर पर आपको बोल रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर भी कोई भी पार्टिकल अगर बाहर रखे हुए, जैसे मान लीजिए कि एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स यहाँ पे बाहर रखे हुए, ठीक है, तो सिस्टम को जब हमने हीट दी है तो कहीं ना कहीं ये जो पार्टिकल्स हैं ये सब क्या हो गए, ये सराउंडिंग हो गए। क्योंकि क्योंकि ये सराउंडिंग क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि अगर ये पार्टिकल्स यहां पर नहीं होते, इमेजिन कर लो कि वो जो दूध है उसकी दूध की ऊपर लेयर पे हमने बहुत सारे शक्कर के दाने रखे हुए हैं, शुगर पार्टिकल्स। ठीक है, अब अगर आपने हीट दी है तो ये लेयर ऊपर जा रही थी, अगर वो शुगर पार्टिकल्स नहीं होते तो वो लेयर और तेजी से ऊपर जाती, मतलब उन शुगर पार्टिकल के होने के कारण कहीं ना कहीं हमारे को जो वर्क मिल रहा है, ठीक है, वो थोड़ा कम हो गया। ठीक है, स्वभाव हमारे सिस्टम को वो जो शुगर पार्टिकल्स वो क्या कर रहे हैं, अफेक्ट कर रहे हैं, दैट्स इट। तो सिस्टम हो गया जिसमें हम ध्यान केंद्रित है हमारा, जिसके बारे में स्टडी कर रहे हैं, और सराउंडिंग हर वो चीज अदर देन सिस्टम ऑब्वियसली जो कि सिस्टम को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इफेक्ट कर रही, दैट इज ऑल अबाउट सराउंडिंग। ठीक है, सो हीट दिया, वर्क मिला, सिस्टम को हीट दिया, सिस्टम ने सराउंडिंग पे क्या करा, वर्क करा। अब डेफिनेशन फिर से पढ़ी, थर्मोडायनामिक इज अ स्टडी ऑफ एनर्जी इंटरेक्शन मेनली हीट एंड वर्क एनर्जी बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। मतलब सिस्टम को आपने एक एनर्जी दी, कौन सी, हीट एनर्जी, और सराउंडिंग पे हमने दूसरी एनर्जी प्रोवाइड करी, ये सब सराउंडिंग है, और सराउंडिंग पे हमने क्या प्रोवाइड करा, वर्क प्रोवाइड करा, वर्क मिले, तो इंटरेक्शन हो गया सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में। ये थर्मोडायनामिक की बेसिक डेफिनेशन है। ठीक है, अभी हीट को भी हम लोग एलोबरेट करेंगे, हीट कितने प्रकार की होती है और हीट क्या क्या कर सकती है, है ना। देखते हैं हम लोग टाइप ऑफ सिस्टम, कि सिस्टम और कितने प्रकार के हो सकते हैं। जस्ट वेट, तो एक्चुअली जो आप लोगों ने सिस्टम पढ़ रखे हैं वो कुछ रेस्ट्रिक्टेड है यहां तक। मैं बता रहा हूं आपको टाइप ऑफ सिस्टम, जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप ऑफ सिस्टम। तो आपने देखा होगा कि एक होता है हमारा क्या, ओपन सिस्टम, ठीक है, देन वी हैव क्लोज्ड सिस्टम, देन वी हैव आइसोलेटेड सिस्टम, ये आपने पढ़े होंगे। इनके अलावा भी कुछ सिस्टम होते हैं, इन पे हम लोग चर्चा करेंगे, पहले इसको हम लोग कर लेते हैं। देखिए, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम, ये जो तीनों सिस्टम है ये मेनली डिफाइन किए गए हैं मास और एनर्जी इंटरेक्शन से। ठीक है, मतलब दिखाता हूं, देखिए एक दिख रहा हमको ओपन सिस्टम, एक इस प्रकार का सिस्टम जिसके अंदर मास का आना और जाना दोनों हो, साथ में एनर्जी और का आना और जाना दोनों हो। ठीक है, वो सिस्टम ओपन, जिसके अंदर मास आ भी रहा है और उसके अंदर से मास जा भी रहा है, साथ ही साथ उस सिस्टम को हमने एनर्जी दी भी है और उस सिस्टम से हमको एनर्जी मिल भी रही है, उसको हम सिंपली क्या बोलेंगे, ओपन सिस्टम। बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल, आपके घर में एक मोटर पंप लगा हुआ है, ठीक है, जो कि क्या करता है, पानी को लेता है, यानी कि मास को लिया और मास को उसने भेजा ऊपर पानी की टंकी में। ठीक है, तो मास का आना जाना तो हो गया, बात करते हैं एनर्जी का, उसको हम देते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी और अल्टीमेटली वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। ठीक है, वही मोटर क्या करती है, सक्शन कर रही है, है ना, पानी को खींच रही है और ऊपर भेज रही है विथ सम हाइड्रोलिक एनर्जी। ठीक है, वो जो हाइड्रोलिक, मतलब उसको प्रेशर एनर्जी बोल दो आप, हाइड्रोलिक एनर्जी बोल दो, और ऊपर जाकर के फिर वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ओपन सिस्टम का सबसे बढ़िया एग्जांपल मैंने आपको दिया, आपकी घर में लगी हुई मोटर, चाहे वो रेसिप्रोकेटिंग पंप पर आप लोग ले लीजिए, फिर उसके बाद आप अपना एवोपरेटर ले लीजिए, फिर आप कंडेंसर ले लीजिए, ये सब क्या है, ओपन सिस्टम। इवन ह्यूमन बॉडी, हम खुद भी, हम खाते भी हैं, हम निकालते भी हैं, हमने मास लिया, मास निकाला भी सही, और हम एनर्जी हम लेते हैं उस खाने के थ्रू, हमने क्या करा, एनर्जी को लिया और उसी के थ्रू हम लोग वही एनर्जी को हम लोग यूज कर रहे हैं। ठीक है, हमारा कुछ भी जीवन में काम करने के लिए। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल हुए आपके ओपन सिस्टम के। फिर बात करते हैं क्लोज सिस्टम का, मतलब उसके अंदर किसी प्रकार का मास का आना जाना नहीं हो रहा है, लेकिन यस एनर्जी का आना और जाना हो रहा है। बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल से मैं आपको बताता हूं इसको। ये कंटेनर था आपके पास में, और आपने इस कंटेनर को ऊपर से एक ढक्कन रख दिया। ठीक है, इस कंटेनर के अंदर आप मान लीजिए पानी था, वाटर था। ठीक है, अभी आप क्या दे रहे हो, उसको हीट दे रहे हो। तो ऑब्वियस ही बात है कि जब ये कंटेनर रहेगा, इसका कुछ ना कुछ प्रेशर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, पहले टेम्परेचर बढ़ेगा, फिर प्रेशर बढ़ेगा, जिसके कारण ये जो ऊपर रखा हुआ जो स्लाइडर का पिस्टन है, ये इसको ऊपर फेंकेगा। मतलब ऊपर हमको क्या मिलने वाला है, वर्क मिलने वाला है। मतलब हमने एक एनर्जी दी, दूसरी एनर्जी हमको मिली, ये सिस्टम था, सिस्टम को एनर्जी दी, दूसरी एनर्जी मिली, लेकिन देखो मास जो अंदर है वो अंदर के अंदर में, मतलब जो मास है वो बाहर नहीं जा रहा। ठीक है, जितना मास था वो अंदर के अंदर कंस्टेंट है।
ठीक है। तो जब मास का आना जाना नहीं हो रहा, सिर्फ और सिर्फ एनर्जी का आना और जाना हो रहा है, इंटरेक्शन हो रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सॉरी क्लोज सिस्टम। देन लेट अस कम टू आइसोलेटेड सिस्टम, वो सिस्टम जिसमें ना तो मास का आना जाना हो रहा है ना ही एनर्जी का आना जाना हो रहा है। मतलब कोई वो सिस्टम जिसमें ना तो मास का आना जाना हो रहा है ना एनर्जी का आना जाना हो रहा है। देखिए वैसे प्रैक्टिकली तो ऐसा कोई सिस्टम है नहीं, क्योंकि एनर्जी की अगर हम लोग बात करें, हीट एनर्जी की हम लोग बात करते हैं, वर्क एनर्जी की बात करते हैं, एनर्जी कैन नॉट बी स्टोर्ड। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं हीट की बात करता हूँ, तो हीट को आप कभी स्टोर कर ही नहीं सकते, हीट तो कंटिन्यूसली चल रही है ना। हीट को बोलते हैं चंचला, और एनी एनर्जी इज चंचला। एक्चुअली एनर्जी इज ए पाथ फंक्शन, जिसको आप मतलब कुछ प्रोसेस होते हुए आप एनर्जी को देख सकते हो, ठीक है। हीट कैन नॉट बी स्टोर्ड। कई जगह एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं कि थर्मस कैन बी ट्रीटेड एज आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है। कैसे यार, बड़ी सी बड़ी अच्छी से अच्छी कंपनी, मिल्टन कंपनी का नाम लेता हूं, थर्मस उसके अंदर जो रहता है मिल्टन का, उसमें चाय रहती 12 घंटे 16 घंटे तक गर्म, पर 16 घंटे बाद ठंडी हो रही है ना, 16 घंटे बाद ठंडी हो रही है। मतलब चाय ठंडी हो रही कैसे हो रही, हीट जा रही है, मतलब एनर्जी तो बाहर जा रही है, तो आइसोलेटेड कैसे हुआ। हाँ मान सकते हैं कि बड़ा क्वासी स्टैटिकली वो काम हो रहा है, मतलब बड़ा धीरे धीरे वो काम हो रहा है, तो उसको एक इंस्टेंस समझने के लिए हम बोल सकते हैं कि यस इट कैन बी ट्रीटेड एज आइसोलेटेड सिस्टम कुछ समय के लिए, ठीक है। और थर्मस मत खोलो, अब थर्मस नहीं खोलोगे तो थर्मस का काम किस किस काम का, समझ लो। यूनिवर्स को भी कुछ लोग बोलते हैं कि इट इज आइसोलेटेड सिस्टम, क्यों, क्योंकि यूनिवर्स के बाहर क्या है वो किसी को नहीं पता, ठीक है। सो यूनिवर्स इज आइसोलेटेड सिस्टम, जो भी मास है वो अंदर के अंदर में है, एनर्जी जो भी वो भी क्या है अंदर के अंदर में, यूनिवर्स से बाहर कुछ जा रहा नहीं है, मास भी एनर्जी भी नहीं जा रही यूनिवर्स से बाहर और मास भी नहीं जा रही। अब जा रही कि नहीं जा रही हमको पता नहीं, क्योंकि यूनिवर्स के बाहर क्या है वो हमको पता ही नहीं एक्चुअली, ठीक है। सो अगेन ऐसा आइसोलेटेड का कोई एग्जाम्पल नहीं है हमारे पास में, यस वी कैन से परफेक्टली इंसुलेटेड थर्मस कैन बी ट्रीटेड एज एन आइसोलेटेड सिस्टम फॉर इंस्टेंस, ठीक है। तो ये बेसिक तीन प्रकार के सिस्टम हैं जो हम बहुत टाइम से पढ़ते आ रहे हैं। कुछ और भी सिस्टम्स हैं, उनके बारे में आपसे मैं डिस्कस करूंगा, इसलिए डिस्कस करूंगा क्योंकि उनके ऊपर क्वेश्चंस आए हुए हैं। लेट मी रन दिस। देखिए फिर हम लोग नेक्स्ट आ रहे हैं एडियाबेटिक सिस्टम। देखिए एडियाबेटिक सिस्टम मतलब वो सिस्टम, ये सिस्टम हमारा कोई सा भी, एडियाबेटिक सिस्टम मतलब वो सिस्टम जिसके अंदर हीट एनर्जी ना तो आएगी ना हीट एनर्जी बाहर जाएगी, बाकी कोई सी भी एनर्जी आए बाकी कोई सी भी एनर्जी जाए कोई फर्क नहीं पड़ रहा मुझे, उसको कोई मतलब ही नहीं है मुझे, सिर्फ और सिर्फ इससे मतलब है हीट एनर्जी से, ना तो हीट एनर्जी अंदर आना चाहिए ना ही हीट एनर्जी अंदर बाहर जाना चाहिए, तब जाके एक सिस्टम क्या कहलाएगा, एडियाबेटिक सिस्टम। अब अगेन वही बात, एडियाबेटिक भी कैसे होगा, क्योंकि हीट को आप स्टोर कर नहीं सकते, हीट तो जाएगी भले धीरे धीरे जाएगी, आप उसको आइसोलेटेड कर दो इंसुलेटेड कर दो अच्छी तरीके से, पर जाएगी बिल्कुल जाएगी। तो अगेन एडियाबेटिक सिस्टम कुछ होता नहीं, बट फिर भी प्रैक्टिकली हम लोग देखते हैं कि नॉट प्रैक्टिकली एक्चुअली आइडियली हम लोग देखते हैं कि यस इट कैन बी ट्रीटेड एज एडियाबेटिक सिस्टम अगर उस सिस्टम से हीट बाहर ना जाती ना आती तो, ठीक है। अच्छा एक आपने सुना होगा एडियाबेटिक प्रोसेस, ठीक है। तो एडियाबेटिक प्रोसेस भी मतलब वो प्रोसेस, वो क्रिया जिस दौरान हीट ना जा रही ना आ रही है। अब उसको एग्जीक्यूट करवाने के लिए, मैंने क्या बोला प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, तो एग्जीक्यूट करवाने के लिए उस क्रिया को इतना फास्ट कराया जाता है कि हीट को बाहर जाने का समय ही नहीं मिला ना बाहर से अंदर आने का समय मिला, इसलिए उसको हम बोलते हैं एडियाबेटिक प्रोसेस। बट एक्चुअली अगर धीरे धीरे करेंगे या नॉर्मली अगर हम लोग देखें तो हीट स्टोर नहीं होती, इसका जस्ट उल्टा होता है डायथर्मिक सिस्टम। डायथर्मिक सिस्टम किसका उल्टा, एडियाबेटिक का जस्ट उल्टा होता है। क्या बोलता है डायथर्मिक सिस्टम, वो सिस्टम जिसके अंदर कोई एनर्जी आए या ना आए, हीट एनर्जी आएगी और हीट एनर्जी जाएगी, बाकी कोई सी भी एनर्जी आए या बाकी कोई सी भी एनर्जी जाए कोई फर्क नहीं पड़ रहा, हीट एनर्जी आना भी चाहिए और हीट एनर्जी जाना भी चाहिए, तब जाके उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डायथर्मिक सिस्टम, ठीक है। एडियाबेटिक का जस्ट अपोजिट, ठीक है। देन वी हैव होमोजीनियस सिस्टम। ये क्वेश्चन एसएससी जेई में आ चुका है, 2017 या काय में भी आया याद नहीं आया। तो होमोजीनियस सिस्टम है हमारे पास में, ठीक है। होमोजीनियस सिस्टम मतलब क्या, देखो होमोजेनिटी भी जो होती है ना तो वो दो प्रकार की होती है, एक होती है फिजिकल होमोजेनिटी और एक क्या होती है हमारी केमिकल होमोजेनिटी। यहां पर जो मैं बात कर रहा हूं आपसे वो बात कर रहा हूं फिजिकल होमोजेनिटी की, है ना। और आपसे जब केमिकल में डिस्कस कर लूंगा, फिजिकल होमोजेनिटी की अगर हम लोग बात करें तो देखो जैसे हमारे पास में कोई कंटेनर है, ठीक है, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ लिक्विड है,
मतलब अगर सिंगल फेज वो अवेलेबल होगा उसके अंदर, सिंगल फेज, ठीक है, फेज बोल रहा हूं, सिंगल फेज अवेलेबल होगा तो मैं उसको बोलूंगा यस इट इज फिजिकली होमोजीनियस, इट इज फिजिकली होमोजीनियस, क्योंकि इसका उल्टा क्या है, जस्ट हेट्रोजीनियस। ठीक है, हेट्रोजीनियस मतलब क्या, एक से ज्यादा फेज, मतलब इसके अंदर आपका वो भी है लिक्विड वाटर भी है H2O, और मान लीजिए इसके अंदर आइस आइस भी है, मतलब आइस भी है, मतलब इसके अंदर लिक्विड भी हो गया और सॉलिड भी हो गया। ठीक है, तो इस सिस्टम को मैं क्या बोलूंगा, फिजिकली हेट्रोजीनियस, मेरे शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, मैं बोल रहा हूँ फिजिकली, तो दिस इज फिजिकली होमोजीनियस क्योंकि एक ही फेज अवेलेबल है, दिस इज फिजिकली हेट्रोजीनियस क्योंकि एक से ज्यादा फेज अवेलेबल है। फिर वहीं पे जब केमिकल की बात आती है तो देखो इट इज केमिकली होमोजीनियस एंड दिस वन इज ऑल्सो केमिकल होमोजीनियस। केमिकल मतलब क्या, सिंगल स्पीसी, यहां पे आइस भी H2O है, लिक्विड भी H2O है, तो सिंगल स्पीसी मतलब एक ही प्रकार की स्पीसी है, इसलिए इसको हम लोग केमिकली होमोजीनियस बोल सकते हैं। बट अभी हम लोग जो बात कर रहे हैं होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस सिस्टम्स की, वो फिजिकल बात कर रहे हैं। तो फिजिकल होमोजीनियस कब कहलाएगा, जब सिंगल फेज होगा। फिजिकल हेट्रोजीनियस कब कहलाएगा, जब मोर देन वन फेज होगा। ठीक है, तो ये कुछ और प्रकार के सिस्टम है जो मैंने जस्ट आपसे डिस्कस किए हैं। ठीक है, नाउ लेट अस हेड टुवर्ड्स द अप्रोच कि थर्मोडायनामिक को पढ़ा कैसे जाता है, अप्रोच कैसे होती है उसकी। ठीक है, देखिए अप्रोच की बात करते हैं, दो प्रकार की अप्रोच होती है थर्मोडायनामिक सब्जेक्ट में, दो प्रकार की अप्रोच है। एक बार हमारी जो अप्रोच है वो कैसी, माइक्रोस्कोपिकली एंड देन वी हैव मैक्रोस्कोपिकली, माइक्रोस्कोपिकली एंड मैक्रोस्कोपिकली अप्रोच, मतलब एक सिस्टम है। ठीक है, इसका एग्जांपल प्रैक्टिकली भी दूंगा आपको मैं। एक सिस्टम है हमारे पास में, उसमें एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, फॉर एग्जाम्पल वॉटर पार्टिकल है, आपने क्या करा हीट दी, आपने हीट दी तो पूरे सिस्टम का, पूरे सिस्टम ये सिस्टम के सिस्टम के अंदर एक एक इंडिविजुअल पार्टिकल का प्रेशर ना पड़े हो, एक एक इंडिविजुअल पार्टिकल का टेम्परेचर ना पड़े हो, एक एक इंडिविजुअल पार्टिकल की दूसरी प्रकार की प्रॉपर्टीज को ना पड़े हो, अगर तो वो स्टडी कैसी हुई, माइक्रोस्कोपिक, यानी कि इंडिविजुअल पार्टिकल स्टडी। ठीक है, और मैक्रोस्कोपिकली मतलब पूरे सिस्टम का एक हम लोगों ने बोल दिया एवरेज प्रेशर, कि भैया सिस्टम का प्रेशर पी है, वॉल्यूम वी है, टेम्परेचर टी है, तो ये क्या हो गया ओवरऑल बिहेवियर। ठीक है, तो जब जब हम लोग किसी सिस्टम का ओवरऑल बिहेवियर देखते हैं ऊपर, मैक्रोस्कोपिक मतलब हमारे लैंग्वेज बोलते हैं मोटा मोटा, ऊपर ऊपर से देख लिया भैया, दैट इज माइक्रोस्कोपिक, और माइक्रो मतलब एक एक इंडिविजुअल पार्टिकल। एक बहुत बढ़िया मेरे गुरु ने मुझे एग्जाम्पल उस टाइम पे दिया था जब मैं पढ़ता था, तो उन्होंने बताया था कि एक दाल है आपके पास में, उस दाल को आपको चेक करना है कि दाल पकी कि नहीं पकी। तो एक तरीका तो ये होगा कि आप दाल की एक एक पार्टिकल को तोड़ तोड़ के देख रहे हो चम्मच से कि पकी कि नहीं पकी, और प्रैक्टिकली वो पॉसिबल है नहीं, है भी सही तो इतना टाइम नहीं है, पॉसिबल भी है पर टाइम का है इतना, कि एक एक पार्टिकल को आप चेक करोगे, दैट इज माइक्रोस्कोपिक इंडिविजुअल पार्टिकल स्टडी। माइक्रोस्कोपिक कुछ मत करो, एक चम्मच लो दाल का, पियो, पी के देखो, एक ही चम्मच से पूरी की पूरी दाल के बारे में हम बता सकते हैं कि भैया हाँ दाल पक चुकी, तो दैट इज योर मैक्रोस्कोपिक स्टडी। ठीक है, और हम इंजीनियरिंग में जो हम स्टडी करते हो कैसी करते हैं, मैक्रोस्कोपिक। माइक्रोस्कोपिक कब होगी आपके हायर स्टडीज, एमटेक एंड पीएचडी में, वहां पर हम लोग माइक्रोस्कोपिकली बिल्कुल बात करते हैं, इट इज रियल, करना पड़ती है इनको। ठीक है, तो पर हम लोग इंजीनियरिंग में जो बात डील करेंगे वो कैसे करेंगे, माइक्रोस्कोपिक। ठीक है, तो कुछ ये भी आपसे मैंने बात कर ली है। ठीक है, आइए कुछ और भी चीजें डिस्कस करते हैं। थर्मोडायनामिक के बेसिक्स में ये आता है। ठीक है, एक लास्ट टॉपिक में इसमें डिस्कस करूंगा आपसे प्रोसेस, दो प्रकार की प्रोसेस को हम लोग डील करते हैं। पहली जो प्रोसेस है वो कैसी है, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। फिर इधर हम लोग डील करेंगे रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल, ये जनरलाइज प्रोसेस है, जनरलाइज प्रोसेस। देखो क्वासी स्टैटिक समझाता हूं पहले आपको, ये शब्द आपको दिख रहा है क्वासी, इस शब्द का मतलब है ऑलमोस्ट, और स्टैटिक मतलब क्या होता है, कोई भी चीज रुका हुआ, पूरा पढ़ेंगे तो ऑलमोस्ट रुका हुआ,
तो कोई भी क्रिया, प्रोसेस मतलब क्रिया, कोई भी प्रोसेस अगर ऐसे दिख रही है कि ऑलमोस्ट रुकी हुई है, दैट इज नोन एज क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। इंसान के बाल बढ़ना, नाखून बढ़ना, कोरोजन, जंग लगना, दीज ऑल आर नोन एज क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। ठीक है, तो ये क्वासी स्टैटिक होता है। अभी आगे जाकर के हम देखेंगे थर्मोडायनामिक में, मेरे नेक्स्ट लेक्चर में, एक कॉन्स्टेंट प्रेशर प्रोसेस होती है, कॉन्स्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस होती है। अगर आपको कॉन्स्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस को एग्जीक्यूट करवाना है तो यू हैव टू डू द प्रोसेस इन क्वासी स्टैटिक मैनर। ऑलराइट, तो आपको उसको क्वासी स्टैटिकली मैनर में करना पड़ेगा, तब जाकर के आपको आइसोथर्मल प्रोसेस यानी कि कॉन्स्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस देखने को मिलेगा, वो मैं डिस्कस करूंगा आपसे। ठीक है, तो दिस इज क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। ठीक है, फिर बात करते हैं रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल। देखिए, रिवर्सिबल मतलब प्रोसेस विदाउट लॉस। अब आप कॉमन सेंस लगाना थोड़ा सा, प्रोसेस विदाउट लॉस मतलब बिना किसी लॉस नुकसान के प्रोसेस कैसे पॉसिबल है? यार, इनपुट दोगे तो आउटपुट मिलेगा, बिना इनपुट के आउटपुट कैसे मिलेगा? इनपुट दे रहे हो मतलब कुछ ना कुछ तो दे रहे हो, मतलब कुछ ना कुछ वर्क दे रहे हो, मतलब कुछ ना कुछ तो आपका एनर्जी का लॉस हो रहा है, यूटिलाइजेशन बोल लो, पर हो तो रहा है, मतलब आप अपने सिस्टम में से तो उसको यूटिलाइज कर रहे हो, तो लॉस तो आपके सिस्टम में से तो हो रही है। ठीक है, प्रैक्टिकली रिवर्सिबल प्रोसेस इज नॉट पॉसिबल। अब कुछ लोग बोलते हैं, कि भैया रबड़ को जरा सा खींचो, छोड़ दो, आगे अपने जगह पे, उसको कुछ नहीं हुआ। अरे कुछ नहीं हुआ रबड़ को, बिल्कुल कुछ नहीं हुआ, लेकिन रबड़ को खींचने वाले की कुछ तो एनर्जी गई। जो जिस बंदे ने रबड़ को खींचा वो कौन है? सराउंडिंग है, मतलब सिस्टम ने सराउंडिंग पे कुछ इफेक्ट दे के आया, मतलब कुछ ना कुछ तो लॉस हुआ। जिस भी बंदे ने जरा सा भी उस रबड़ को खींचा है, उसने कुछ ना कुछ तो अपनी एनर्जी दी, मतलब कुछ ना कुछ तो उसको लॉस हुआ। तो प्रैक्टिकली रिवर्सिबल साइकिल इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, एवरी साइकिल इज इरिवर्सिबल, प्रैक्टिकली पॉसिबल। ठीक है, हर साइकिल कैसी होती है? रिवर्सिबल होती, मतलब कुछ ना कुछ क्या रहता है आपका, जो है नुकसान होगा। ऑब्वियसली आप कुछ ना कुछ इनपुट देंगे, कुछ ना कुछ इनपुट लगाएंगे, तब जाके आउटपुट मिलता है। ठीक है, प्रोसेस देखो ना, नाम भी दिख रहा, प्रोसेस मतलब क्रिया, और क्रिया करने के लिए आपको कुछ ना कुछ एनर्जी ऑब्वियसली हमेशा देना पड़ती है। ठीक है, सो ये मैंने आपको कुछ बेसिक्स बताया है, बेसिक्स ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ठीक है, और भी काफी बेसिक्स अभी इसमें बचा हुआ है। ठीक है, टाइप्स ऑफ थर्मोडायनामिक प्रोसेस, ठीक है, ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे फ्यूचर में। ठीक है, नेक्स्ट मेरे लेक्चर में। टिल देन जितने भी लोग हैं, आप लोगों को अगर ये लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज शेयर दिस लेक्चर, सब्सक्राइब माय चैनल, सो दैट आपके जो बाकी जो फ्रेंड्स हैं उनको भी इस चैनल का फायदा मिल सके। थैंक यू सो मच।